चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, आजाद समाज पार्टी के चीफ पर, आप इसको किस तरह से ऊपर बढ़ाओगे? पहले तो हम आए हैं आज संस्कार बढ़िया उत्सव तो लिए तो ये दुकान दुकान मिलेगी, अच्छा सामान मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेगी, तो हमारी पहले तो शुभकामनाएं हैं। और जो समाज पार्टी के आजाद समाज पार्टी के चीफ पे हमला हुआ चंद्रशेखर को, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर नाम की बुद्धि है, जितने भी अपराधी हैं अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं और सरकार तो झूठा झटोरा पीट रही है। जब थानों में पुलिस सुरक्षा में अदालतों में हत्याएं हो जाए लाइन आर्डर नाम की कोई चीज है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो फिर अभी जिस तरह से यूसीसी जो चल रहा है, समान नागरिक संहिता का बिल आने वाला है, आप इस मानसून सत्र में ला सकती है सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को? देखिए जब चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मुद्दे उठाते हैं, इसी तरीके से प्रचार करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, न करना है न कर हो पाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें आई चुनाव के वक्त, चुनाव का वक्त आ रहा है तो इस तरीके की बातें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परेशान कर दिया है जनता को, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, इस पर बात नहीं चलेगी और जब चुनाव आएंगे तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि समाजवादी पार्टी को जनता अगर वोट देगी तो मुलायम सिंह यादव के बेटे का विकास होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं क्योंकि नेताजी के बारे में उन्होंने नाम लिया है? देखिए हम लोगों ने और पूरी तरह से विकास किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए और जनता को सुविधाएं दी, किसानों के कर्जे माफ किए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर नहीं रहे, केवल परेशानियां दी हैं जनता को, केवल जनता को परेशानियां दी और जनता अब समझ चुकी है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गिर चुका है, तो इस तरीके से ये बातें करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गुंडों की पार्टी या समाजवादी पार्टी, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देते तो फिर परेशान हो जाए। इनके ये बड़बोले हैं, बहुत कई बार बोलते हैं बड़बोले हैं, इनके पास काम तो कुछ है नहीं, विभाग का कोई काम है नहीं, विकास कुछ करेंगे नहीं और सब लोग समझते हैं इनका इतिहास क्या है, ये यही काम में संलिप्त रहे हैं, जो कह रहे हैं इसी काम में संलिप्त रहे।